आज मैं मुंबई स्थित मध किला के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मध किला उत्तरी मुंबई में एक छोटा सा किला है जो भारत में स्थित है। इसे पुर्तगालियों ने पुर्तगाली भारत में बनवाया था। उन्होंने मराठा साम्राज्य के खिलाफ युद्ध के दौरान इसे खो दिया, जब फरवरी 1739 में मराठा साम्राज्य ने इस पर कब्जा कर लिया। मध मलाड से लगभग 15 किलोमीटर 9 मील दूर है। बेस्ट बस सेवा के मार्ग 271 पर या नौका द्वारा वर्सोवा के माध्यम से यहां जा सकते हैं। इस किले का निर्माण पुर्तगालियों ने 17वीं शताब्दी में एक प्रहरी दुर्ग के रूप में करवाया था। यह तटरेखा के रणनीतिक दृश्य प्रदान करता है और मार्व क्रीक की सुरक्षा करता है। यह भारतीय वायु सेना के नियंत्रण में है, क्योंकि यह भारतीय वायु सेना के अड्डे के करीब स्थित है और इसे एक्सेस करने के लिए अनुमति की आवश्यकता है। मध किला जनता के लिए खुला नहीं है और यह स्थानीय मछुआरा समुदायों से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें कोली, मराठी, पूर्वी भारतीय, रोमन कैथोलिक, मढ़ गाँव के साथ साथ अन्य समुदायों के लोग भी आते हैं। यह क्षेत्र पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में मलाड क्रीक से घिरा है। एरंगेल बीच, दाना पानी बीच, सिल्वर बीच, अक्सा बीच जैसे कुछ समुद्र तट इसके नजदीक हैं। लव के लिए कुछ कुछ होता है, बाजीगर, शूटआउट एट वडाला और मनमोहन देसाई की 1985 की फिल्म मर्द, खलनायक जैसी कुछ बॉलीवुड फिल्में इस स्थान पर शूट की गयी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।